Best Notes tutorial. In this video we will be talking about an equal music, and this is by Vikram Seth, as we know. And we have completed four works by William Faulkner. If you have not watched them, you can check out the other videos on our channel. और अब हम बात कर रहे हैं विक्रम सेठ के सारे works के बारे में. पिछला work जो हम लोगों ने किया है ना, A Suitable Boy, बहुत important work है आप लोगों का English literature के किसी भी exam में. क्वेश्चन पूछे जाते हैं विक्रम सेठ से, इम्पोर्टेंट इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश का राइटर है. तो चलिए अब हम जो नेक्स्ट ये वाली जो स्टोरी करने वाले हैं, समरी और इसमें कैरेक्टर्स और इवेंट्स एंड द ईयर्स, तो ये सारी चीज़ें हम एंड थीम वी विल बी डूइंग द डिस्कशन. तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अभी एन इक्वल म्यूजिक की. एन इक्वल म्यूजिक पब्लिश कब हुआ था आपका, 1999 को. And is a novel by international best-selling author Vikram Seth. Tells the story of violinist who begins an affair with an old lover and learns a devastating secret. तो यहाँ पे क्या है जो total story है, ये आपके story है एक violinist की और उसका जो affair है एक girl से. तो अब हम बात करेंगे जो violinist है वो कौन है, वो Michael है आपका. उसका नाम क्या है, Michael है. और उसके जो लवर है उसके बारे में हम बात करेंगे. द बुक रिसीव्ड इन 1999 क्रॉसवर्ड बुक अवार्ड. इसको कौन सा अवार्ड मिला था, क्रॉसवर्ड बुक अवार्ड मिला था. तो TGT में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को अंडरलाइन करके वो सारी चीज़ें दे दूंगा, और जो इम्पोर्टेंट हैं जिनसे क्वेश्चन मिलते हैं ना आपको एग्जाम में, तो आपने नोट डाउन भी कर सकते हैं. फॉर फिक्शन हैज बीन वेल रिसीव्ड बाय बोथ क्रिटिक्स एंड जनरल रीडर. सेट इज नोन फॉर मेकिंग बेली वेल्ड रेफरेंसेस टू हिमसेल्फ एंड हिज फ्रेंड्स एंड फैमिली इन हिज पब्लिश्ड वर्क्स, व्हिच एड्स डेप्थ एंड ऑथेंटिसिटी टू हिज नैरेटिव्स. तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली से रिलेटेड भी लोगों को क्या करते हैं, अपने वर्क में रखते हैं. ये आप लोगों को देखने को मिलेगा. विक्रम सेठ का कोई भी वर्क होगा तो अपने ऑल अराउंड जो भी हैं उनको भी वो अपने वर्क में जगह देते हैं. ही इज़ अ प्रोलिफिक नॉवलिस्ट एंड पोइट. ही हैज़ वॉन न्यूमरस लिटरेरी अवार्ड्स. बहुत सारे अवार्ड्स उनको मिले हैं. द प्रोटैगनिस्ट माइकल होम. तो पूरा नाम क्या है उसका, माइकल होम, जैसा कि मैंने आप लोगों को भी बताया था. ही इज़ अ वायलिनिस्ट एंड हाईली सक्सेसफुल मैजियो क्वार्टेट. तो वो एक मैजियो क्वार्टेट में उनका क्या है, एक जो चार लोगों का ग्रुप है उनका, तो फोर लोगों के ग्रुप में वो क्या है, वायलिनिस्ट हैं, वो वायलिन बजाते हैं. इज अ गिफ्टेड म्यूजिशियन एंड ही प्लेज दिस सेकेंड वायलिन. और वो क्या है, एक गिफ्टेड म्यूजिशियन है, बहुत अच्छे म्यूजिशियन हैं और वो सेकेंड वायलिन बजाते हैं ग्रुप में. हाउएवर ही कांट फॉरगेट द वुमन ही यूज्ड टू लव, जूलिया. तो हाँ, यहाँ पर आप लोगों का क्या है, जो सेकेंड जो उनकी बिलोविड है वो कौन है आपकी, जूलिया है. तो कैरेक्टर के नाम आप लोगों को याद होते चलेंगे, माइकल हो गया और जूलिया हो गया. शी मूव्ड अवे मैनी ईयर्स अगो एंड मैरिड समवन एल्स. और लेकिन वो क्या हो गई है, काफ़ी साल पहले वो लोग साथ में वायलिन बजाया करते थे, साथ में प्रैक्टिस किया करते थे. बट अब क्या है कि वो जो जूलिया है वो जा चुकी है और वो किसी से क्या है, किसी और से उसकी शादी हो चुकी है. शी नाउ हैज़ अ स्मॉल चाइल्ड. उनका एक छोटा सा बच्चा भी है. माइकल कांट मीट एनीवन एल्स बिकॉज इट्स अ वेरी इंसुलर वर्ल्ड एंड ही ऑलरेडी नोज एवरीवन इन द म्यूजिक सीन. और क्या है कि उनका जो एक ग्रुप है, या हम कहें कि माइकल के आसपास की जो दुनिया है वो बहुत छोटी है और वो इसलिए किसी और से नहीं मिल पाता है. ही कंसनट्रेट्स नाउ ऑन हिज म्यूजिक. और जब जूलिया उसकी लाइफ से चली जाती है तो अब वो पूरा कंसनट्रेशन किस पे करता है, अपनी म्यूजिक पे करता है. माइकल स्टडीड एट अ म्यूजिक स्कूल इन वियना. तो वो कौन सी जगह पे उसने स्टडी किया था, तो उसने स्टडी किया था म्यूजिक वियना में, वेर ही फर्स्ट मेट जूलिया. और वहीं पर ही उसे क्या है, जूलिया पहली बार मिलती है. देखिए स्टोरी इस तरह से चल रही है कि पहले जो माइकल है वो वियना में रहते थे, वहाँ वो जूलिया से मिले, उनका कुछ अफेयर था, बट बाद में जूलिया वहाँ से चली जाती है. जूलिया का जाने का जो रीज़न होता है वो एक क्या होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है, देयर ही एम्बैरेस्ड हिमसेल्फ बाय फेलिंग एट अ परफॉर्मेंस ऑन स्टेज लीडिंग हिम टू एबैंडन जूलिया इन हिज ह्यूमिलिएशन. तो क्या होता है कि वो एक परफॉर्मेंस दे रहा होता अपना स्टेज पर, बट वो क्या होता है,
वहाँ पर फेल हो जाता है या बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाता है, और जब वो अपने ह्यूमिलिएशन में वो ह्यूमिलेट फील करता है और क्या कर देता है, जूलिया को छोड़ देता है। इसके बाद वो दोनों अलग हो जाते हैं, या ही इज ऑलवेज रिग्रेटेड लेटिंग हर गो, लेकिन उसके बाद उसने हमेशा उसे रिग्रेट होता है कि उसने उसे जाने दिया। हाउ ही माइट हैव अ सेकेंड चांस, अब वो देखता है कि क्या उसे सेकेंड चांस इस चीज़ के लिए मिलता है, तो उसे एक सेकेंड चांस मिलता है बाद में स्टोरी में, अभी हम लोग देखेंगे। माइकल लीव्स विग्मो हॉल वन इवनिंग आफ्टर प्लेइंग विद हिज फेलो म्यूजिशियन हेलेन। एक दिन वो जो विग्मो हॉल में बजा रहे थे म्यूजिक, उसके बाद जब वो वहाँ से चला जाता है, दी वॉयला प्लेयर जो हेलेन है वो क्या बजाती है, वॉयला बजाती है। पियर्स हर ब्रदर एंड फर्स्ट वायलिनिस्ट द बिली, तो जैसे कि हमें पता है कि जो माइकल है वो कौन सा है, सेकेंड वायलिनिस्ट है, तो फर्स्ट कौन है वहाँ पर, फर्स्ट है बिली दे सेलिस्ट एंड कंपोजर, वही उसका वहाँ पे कंपोजर भी है। एज दे आर वॉकिंग अवे माइकल रन्स इनटू जूलिया, अब वो जब जा रहे होते तो अचानक से उसे क्या मिल जाती है, जूलिया वहाँ पर मिल जाती है। दे डिसाइड टू कैच अप एंड दिस इनकाउंटर रिजल्ट्स एंड इन एन अफेयर। अब क्या होता है कि उनका जब इनकाउंटर होता है, मीन्स वहाँ पर वो एक दूसरे से मिलते हैं, तो अब वहाँ पर क्या होता है, उनका फिर से अफेयर शुरू हो जाता है। माइकल डिस्कवर्स एट द सेम टाइम दैट जूलिया इज गोइंग डेफ, और यहाँ पर उसे पता चलता है कि जूलिया क्या हो चुकी है, डेफ हो चुकी है, वो सुनना कम हो चुका है उसका। व्हेन माइकल स्क्वार्टेट डिस्कवर्स हिज रिलेशनशिप, दे डोंट नो व्हाट टू मेक ऑफ इट, और जो माइकल का क्वार्टेट है उनको ये बात पता चलती है उनके अफेयर के बारे में, लेकिन उनको ये समझ नहीं आता कि क्या किया जाए। हाउएवर दे आर ऑल सून डिस्ट्रैक्टेड व्हेन दे विन अ कॉन्ट्रैक्ट टू रिकॉर्ड जॉन सेबेस्टियन्स बैक्स आर्ट ऑफ यू, तो उन्हें एक कॉन्ट्रैक्ट मिलता है म्यूजिक का। दे देन हैव अ चांस टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सर्ट इन वियना, तो उन्हें एक कॉन्सर्ट मिल जाता है, कहाँ पर जाने के लिए, वियना में कॉन्सर्ट उन्हें मिल चुका है। माइकल माइकल इज वरीड अबाउट रिटर्निंग टू वियना बिकॉज वट हैपन्ड दैट द लास्ट टाइम, बट ही इज डिटरमाइंड टू फेस हिज फियर। अब देखिए, हमने ऊपर पढ़ा था कि उसने एक वियना में पहले भी एक क्या किया था, कॉन्सर्ट किया था, तो वहाँ पर वो क्या हो गया था, फेल हो गया था, ही फेल्ड दैट टाइम एंड दैट वॉज द एम्बेरेंस्ड एंड ही गॉट सेपरेटेड फ्रॉम जूलिया, वो जूलिया से क्या हो गया था, वहाँ पे सेपरेट हो गया था, लेकिन फिर भी वो सोचता है कि मैं इस जो उसका फियर था वियना के लिए उस पर क्या करूँगा, वर्क करूँगा और उसे फेस करूँगा। मीन वाइल पियर्स इन्वाइट्स जूलियट ज्वाइन देम इन वियना एंड टू प्ले म्यूजिक विद देम। अब यहाँ पे क्या है, जो पियर्स है वो क्या करता है, जूलिया को इनवाइट करता है कि वो भी उनके साथ में वियना में प्ले करे म्यूजिक। माइकल डजंट टेल पियर्स और अदर्स अबाउट हर डेफनेस, यहाँ पे माइकल को पता है कि उसकी जो डेफनेस है वो म्यूजिक में क्या कर सकती है, एक तरह से हिंड्रेंस का काम करेगी, प्रॉब्लम का काम करेंगी, लेकिन वो ये चीज़ नहीं बताता है अपने क्वार्टेट को। क्वार्टेट का मतलब यहाँ पर है चार लोगों का जो ग्रुप था उसको। जूलिया वॉन्ट्स टू गो, और जूलिया क्या है, वहाँ आना चाहती है। द ट्रिप टू वेना गिव्स देम अ चांस टू कंटिन्यू देयर अफेयर, माइकल डजंट वॉन्ट टू लेट जूलिया गो अगेन। यहाँ पे क्या है कि वियना में क्योंकि वो फिर से जा रहा है और इससे उसको उनको एक चांस मिल जाता है अपने अफेयर को आगे बढ़ाने का, माइकल अब नहीं चाहता कि जो जूलिया है वो दोबारा से उसे छोड़कर चली जाए। हाउ इट्स नॉट लॉन्ग बिफोर द म्यूजिशियन डिस्कवर्स जूलिया स्टेफनेस, और थोड़ी दिनों बाद ही म्यूजिशियन जो है उनको पता चल जाता है कि जूलिया क्या नहीं कर सकती, सुन नहीं सकती है। दे नोटिस शी इज कन्फ्यूज बाय नोट्स एंड नॉट फॉलोइंग द सेम नॉट फॉलोइंग द ट्यून, और वो क्या नहीं कर रही है, वो जो नोट्स होते हैं म्यूजिक के उनको फॉलो नहीं कर पा रही है, ना ही ट्यून को फॉलो कर पा रही है। व्हेन दे लर्न व्हाई दे फील अ बिट चीटेड बट माइकल टॉक्स देम राउंड, यहाँ पे क्या होता है, उन्हें ऐसा लगता है कि उनके साथ चीटिंग हुई है। दे ऑल नो दैट जूलिया डेफ ऑर नॉट इज अ वेरी टैलेंटेड म्यूजिशियन, शी इज टैलेंटेड एज एनी ऑफ देम, उन्हें पता है कि जूलिया क्या है, डेफ है, बट उन्हें ये भी पता है साथ ही साथ कि वो एक क्या है, बहुत ही टैलेंटेड म्यूजिशियन है। दे डिसाइड टू गिव हर अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस साउंड टू फॉलो,
विच लेट्स हर प्रैक्टिस विद देम। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि उसे वो एक स्ट्रॉन्ग बेस साउंड देते हैं। बेस साउंड से यूजुअली अगर आप लोग थोड़ा सा म्यूजिक जानते हैं तो आप लोगों को पता होगा बेस साउंड से क्या होता है कि आदमी उसे एटलीस्ट फील करके क्या कर सकता है, चीज़ों को संभाल सकता है म्यूजिक बजाते हुए। दिस वर्क्स वेल एंड म्यूजिशियंस गेट रेडी फॉर देयर बिग परफॉर्मेंस, और इससे काम चल जाता है उनका और वो रेडी हो जाते हैं म्यूजिक के लिए। माइकल गेट्स इंक्रीजिंगली नर्वस बिलीविंग ही विल लेट द ग्रुप डाउन। अब यहाँ पे क्या है, माइकल क्या है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, नर्वस हो रहा है। अब होता भी यही है कि अगर हम कहीं पर एक बार फेल हो जाते हैं तो अगला जो हमारा अटेम्प्ट रहता है वो हमारे लिए काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि उसे हमें मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि हमें पिछला जो हमारा डर है उसे भी जीतना होता है। ये कभी फर्स्ट टाइम नहीं है हमारे लिए, इसलिए उस डर से जीतना बड़ा मुश्किल काम होता है। डिस्पाइट दिस रीअश्योरेंस हिज नर्व्स ओनली गेट वर्स बिकॉज जूलिया इज देयर, ही फील्स एबल टू कीप गोइंग एंड थ्रू विद द परफॉर्मेंस। क्योंकि जूलिया वहाँ पर है तो उसे उसे फील होता है कि चलो इस काम को पूरा कर लिया जाए जिसके लिए आए हुए हैं। द परफॉर्मेंस गोज वेरी वेल अलाउिंग माइकल टू फील ही कैन लेट द पास्ट गो। यहाँ जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी हो जाती है और इससे माइकल जो है वो थोड़ा बहुत जो उसका पास्ट में जो एक्सपीरियंस था उसे डिमिनिश करने में, उसे ख़त्म करने में ये क्या होता है, हेल्प करता है। हाउ इट्स नाउ नॉट सो क्लियर व्हाट्स गोइंग टू हैपन बिटवीन हिम एंड जूलिया। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लियर अभी तक नहीं हुआ है कि उन दोनों की जो रिलेशनशिप है, अफेयर है, उससे क्या होगा। दे आर स्टिल हैविंग एन अफेयर बट वन डे, उनका अभी भी अफेयर चल रहा है। माइकल नोटिसेस जूलिया एंड हर हस्बैंड जेम्स अ मैसेज। अब वो एक दिन जूलिया का मैसेज पढ़ लेता है कि जो कि उसने अपने हस्बैंड जेम्स के लिए भेजा है। तो यहाँ पे आपको जो जूलिया का हस्बैंड है जेम्स, उसके बारे में भी पता चल चुका है कि उसका नाम क्या है, एटलीस्ट वो है जेम्स। ही कांट हेल्प बट रीड द फैक्ट्स शी सेंट हिम। अब वो क्या करता है कि उस फैक्ट्स को पढ़ लेता है, मतलब वो खुद को नहीं रोक पाता है और फैक्ट्स को पढ़ लेता है। जूलिया टेल्स जेम्स शी मिसेज हिम एंड द मैसेज इज वेरी लविंग, और जो जूलिया ने जो लिखा होता है जेम्स के लिए वो बहुत प्यार से उसने कुछ लिखा होता है और वो कहती है कि वो उसे बहुत मिस करती है। माइकल इज डिवेस्टेटेड। अब माइकल को ये चीज़ क्या है डिवेस्टेट कर देती है, उसे बहुत परेशान कर देती है, बिकॉज ही हैड स्टार्टेड टू बिलीव इट वॉज मोर देन जस्ट एन अफेयर। अब उसको लगने लगता है कि जो जूलिया है वो सिर्फ एक अफेयर के लिए उसके साथ नहीं है, बल्कि वो चाहता है, उसे ऐसा लगता है कि उसे फिर से प्यार करना शुरू कर दिया है। ही होप्ड एवरीथिंग कुड गो बैक टू व्हाट इट वंस वाज, पर्टिकुलरली सिंस दे गेट ऑन सो वेल टुगेदर। तो उसे ऐसा वो होप करना शुरू कर देता है कि शायद सारी चीज़ें ठीक हो चुकी है। हाउएवर दिस मैसेज शोज हिम इट विल ओनली एवर बी एन अफेयर। और यहाँ पर उसे लगता है, उसे पता चल जाता है इस मैसेज के अकॉर्डिंग कि अब उनका जो अफेयर है वो बिल्कुल अब वही अफेयर ही रहेगा, मीन्स वो कोई रिलेशनशिप, सीरियस रिलेशनशिप नहीं है। ही एंड जूलिया फॉल आउट, दोनों के दोनों झगड़ते हैं एंड एक्सचेंज क्रूल वर्ड्स। दोनों के बीच में बहुत बहस होती है। जूलिया इज वाउंडेड एंड वेरी हर्ट बाय माइकल सेज सो शी हेड्स होम टू लंदन। अब वो कहाँ चली गई है, फिर से अपने लंदन वापस चली गई है, जब जूलिया को बहुत हर्ट फील होता है और वो चली जाती है अपने लंदन। व्हेन माइकल गेट्स बैक टू लंदन जेम्स इनवाइट्स हिम टू अ पार्टी। यहाँ पे माइकल भी क्या होता है, जब लंदन जाता है तो उसे जेम्स क्या करता है, पार्टी में बुलाता है। माइकल इज सरप्राइज्ड बाय द इन्विटेशन बट ही अज्यूम्स ही विल गेट अ चांस टू सी जूलिया अगेन सो ही गोज। अब ये इनविटेशन से माइकल क्या है, थोड़ा सरप्राइज तो है बट उसे एक होप मिलती है कि वो क्या करेगा, जूलिया को दोबारा मिल पाएगा। हाउएवर व्हेन ही गेट्स देयर जेम्स इज कोल्ड एंड डिसमिसिव ऑफ हिम। ही डिस्कवर्स दैट जेम्स नोज अबाउट द अफेयर एंड इज ट्राइंग टू वर्क थ्रू थिंग्स विद जूलिया। अब वहाँ पे जाके जेम्स को सारी चीज़ें पता चलता ही है। अच्छा, जब वो उसे वहाँ पर बुला लेता है, माइकल को जेम्स बुला लेता है, तो जेम्स क्या है, बिल्कुल कोल्ड वहाँ पर रहता है। उसका जो नेचर है वो मीन्स उसका बिहेवियर जो है वो डिसमिसिव रहता है। ही डिस्कवर्स दैट जेम्स नोज अबाउट द अफेयर एंड इज ट्राइंग टू वर्क थ्रू थिंग्स विद जूलिया।
माइकल इज एम्बेरस्ड एंड जेम्स नोज, और जो कि माइकल है वो वहाँ पर क्या फील करता है, एम्बेरस्ड फील करता है. माइकल ऑल्सो नोज जूलिया इजेंट लिविंग हर हस्बैंड फॉर हिम, ही फील्स लॉस्ट एंड विदाउट पर्पज. यहाँ पे माइकल को भी फील होता है कि जूलिया क्या है, उसे उसके लिए माइकल के लिए अपने हस्बैंड को नहीं छोड़ेगी, बट एंड ये जो थॉट है वो उसे लॉस्ट फील करवाता है. हिज म्यूजिक सफर्स एंड ही क्विट्स द क्वार्टेट. उसका जो म्यूजिक है वो क्या करता है, सफ़र करता है और अपना जो क्वार्टेट है उसे भी क्या कर लेता है, छोड़ देता है. The other musicians don't know how to help him. He needs to help himself. और जो musicians हैं और musicians हैं वो ये समझ नहीं पाते कि वो किस तरह से उसका उसकी मदद करें. At the end of an equal music, Michael discovers Julia scheduled a performance of the same song they rehearsed together. और Michael जब last जब इस story का last होता है तो इस तरह से होता है कि Michael को पता चलता है कि Julia क्या है, एक performance देने वाली है और वही सॉन्ग है जो साथ में प्रैक्टिस किया करते थे. ही गोज टू हियर हर प्ले एट विगमोर हॉल, और जो विगमोर हॉल में परफॉर्मेंस है उसे सुनने के लिए वो वहाँ पर जाता है. तो माइकल जो है वो जूलिया को सुनने के लिए वहाँ पर जा रहा है. एट दिस पॉइंट ही लेट्स जूलिया एंड द पास्ट गो, ही लीव्स ड्यूरिंग द इंटरवल. और जूलिया और पास्ट को क्या कर देता है, मीन्स छोड़ देता है एक टाइम पे. And we last see him walking away in the rain. और last में वो क्या हो रहा है, वापस rain में जा रहा है. तो ये आपकी क्या है, एक छोटी सी हम कहें summary है. आप लोगों को इसे तैयार करना है जिससे कि आपको character क्या है याद रहें. तो आप लोगों को simple, आपको पता है Michael है और story है आपकी Julia की. तो Michael जो है वो क्या है, आप लोगों का musician है, और Julia भी आप लोगों की क्या है, musician ही है. दोनों का पहले से अफेयर है. और पहले वो माइकल क्यों उसे छोड़ देता है, क्योंकि एक कॉन्सर्ट में वो क्या नहीं कर पाता, बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं कर पाता है और वो फेल हो जाता है. सेकंड टाइम जब वो अपनी लाइफ में दोबारा मिलते हैं तो वहाँ पर वो फॉल आउट करते हैं, मीन्स उनके बीच में झगड़ा हो जाता है. और वो उसका रीज़न क्या होता है कि वो पहले इस टाइम क्या है, दोबारा से वो अफेयर में है, और अफेयर के चलते जो माइकल है उसको एक मिसकंसेप्शन हो जाता है कि जो जूलिया है वो क्या हो चुकी है, पूरी तरह से उसके लिए डेडिकेटेड है. लेकिन बाद में वो जब एक मैसेज पढ़ता है जूलिया का, तो उसे फाइनली क्या हो जाता है, इस बात का एक रियलाइजेशन हो जाता है कि वो उसके साथ नहीं जाने वाली, जूलिया उसको उसके साथ नहीं रहने वाली. तो इसलिए दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं, झगड़ जाते हैं. और जो थर्ड है, फिर से जूलिया जो है वो लंदन में मिलती है, और वहाँ पर भी जब वो इनविटेशन एक पार्टी में मिलते हैं वहाँ पर भी कुछ उनके बीच में कुछ हो नहीं पाता है. बट लास्ट में फाइनल जूलिया क्या करती है, एक सॉन्ग गाती है जो कि उन्होंने पहले साथ में प्रैक्टिस किया होता है, रिहर्सल किए होती है. और फाइनली यहाँ पर वो जूलिया और अपना जो पास्ट है उसे छोड़कर आगे बढ़ जाता है, और वो जा रहा होता है किसमें, रेन में वो जा रहा होता है, बारिश में आगे की तरफ. तो ये आप लोगों के शॉर्ट में मैंने आप लोगों को फिर से क्या कर दिया है, स्टोरी बता दी है. बस यहाँ पर आप लोगों को याद रखेंगे जूलिया का जो हस्बैंड है उसका नाम भी क्या है, जेम्स ही है, मीन्स जे से ही है. तो जे से